सो फ्रेंड, लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये मिलेट है। आज मैं मिलेट का हरी राई पत्तियों के साथ पकौड़ा बनाऊँगा। मसाला वही है, अजवाइन है, हींग है, सेंधा नमक है, टेस्ट के लिए नींबू है, हरी मिर्च है और पैन में तेल तैयार है। अब फ्राई करने के बाद आगे की वीडियो। इसमें मिलेट मिला दिया, हरी पत्ती मिला दिए। अब मैं नींबू निचोड़ देता हूँ और बाकी के जो मसाले हैं वो सब भी इसमें मिक्स कर देता हूँ। वीडियो बना रहा हूँ, मेरा पर्पस मैं कई बार बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल होने का नहीं है। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद आता है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, और आप लोगों को भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा नहीं, ठीक होना चाहिए, बहुत न मोटा बहुत न ज़्यादा पतला, इतना हो कि आपस में पत्तियों के साथ मिलेट का आटा लपेट जाए। सेम लाइक बेसन, चने का बेसन जैसे यूज करते हैं वैसे अपन इसको यूज कर रहे हैं भाई, फायदा है ना, इसीलिए तो लोग यूज करते हैं। और जगह नहीं मिलता है, जहाँ पे मिलता है वहाँ पे इसको उपयोग करना ही चाहिए। हाइजीनिक तौर पे बनाएं, खाना साफ सुथरा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, स्वच्छ रहेगा तो है शरीर के लिए भी ठीक ही है। आगे की दोस्तों वीडियो फ्राई होने के बाद। पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं, छोटी रसोई है, टाइम लगेगा। और सॉस के नाम पे घर की चटनी बनाई है, धनिया की पत्ती है, अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन है और साथ में टेस्ट बढ़ाने के लिए नींबू है। बाजारी कोई चीज़ नहीं है, सारा शुद्ध है भाई। फ्रेंड तैयार हैं। एक बात रखना, ध्यान रखना, ये बहुत क्रिस्पी होती है, बहुत कड़क कड़क की आवाज़ तो रहेगी भाई इसमें। अब लोग कहेंगे कि आपको ये अफ्रीका में मिलेट कहाँ से मिल गया, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। वेजिटेरियन हूँ ना, शौक रखता हूँ, ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक फूड को ही सपोर्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, eat healthy, eat vegetarian and save to animal life.